जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस में कौन से टेंसेस आमतौर पर नहीं बनते, बल्कि आपने सुना है हमेशा नहीं बनते। मैं जो नहीं बनते उनको भी यहाँ दिखा बना के दिखाऊंगा और हम वाजे करेंगे, ये साबित करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो आपने देखे नहीं कभी, बन सकते हैं, बना हम सकते हैं, लेकिन उसे हम यूज़ नहीं करते। किन वजूहात से उन्हें हम यूज़ नहीं करते, क्यों यूज़ नहीं करते, उनकी क्या वजूहात होती हैं, आज के सेशन में हम उसे देखेंगे। चार टेंसेज हैं जो पैसिव वॉइस में हम नहीं यूज़ करते। मैं पहला टेंस है, उसमें से पहला टेंस है पैसिव परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेज नहीं बनते, यानी कि प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन तीनों को हम यूज़ नहीं करते। बना के मैं दिखाता हूँ अभी, लेकिन यूज़ नहीं करते हमें। एक हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी हम यूज़ नहीं करते। अभी मैंने पहले बनाया भी था, लेकिन फ्यूचर में मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं सेव रख रहा था, इस वीडियो में हम जाके उसको वाजे करेंगे। मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस में लिखता हूँ, फिर उसको पैसिव वॉइस बनाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस वजह से हम उसे नहीं यूज़ करते। मैं कहता हूँ आई विल बी ईटिंग फूड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारे पास टेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेम आपको पता है कि फूड इधर आ गया, आई इधर आ गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, जो है बी हमारा यहाँ पर पहले से मौजूद है। फार्मूले का हम ऐड भी करते हैं, अगर पहले से मौजूद है तो हम यू उसे एज इट इज़ हमने यूज़ कर लिया, और बी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया दूसरा फार्मूले का, पांचवी चीज़ सॉरी चौथी चीज़, और पांचवी चीज़ है लेट एनी एडिशनल थिंग्स बी द वे दे आर, विल यहाँ पर एडिशनल है, ये मैंने कर लिया, और आईएनजी जो है यहाँ पर आ रहा था एडिशनल, और आपको पता है आई एन जी को हम उठा के यहाँ से ले जाते होते हैं इधर, और ये बी फार्मूले का है और इसको बी हमने अपनी तरफ से दिया आई एन जी को सपोर्ट करने के लिए, तो फार्मूले का स्ट्रक्चर ठीक हो गया। अब हम ये पांच लेवल पर तो हमने चीज़ें कर ली, फाइव स्टेप्स तक तो चीज़ें कर ली, लेकिन जैसे ही हम छठे स्टेप में जाते हैं इन टेंसेज में छठे स्टेप में हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, फूड के बाद विल ओके है, फूड के बाद विल आता है, विल के बाद बी ओके है, बी विल को बी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी के बाद आ रहा है बी ए, बी के बाद आ रहा है, अगर ये इज बीइंग होता तो इज और बी थोड़ा सा चेंज लगते हैं, बी और बीइंग रिपीट हो रहा है, इसमें इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो ये दो बी रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से इसका हमारे पास कोई हल कोई नहीं है। हल यही हो सकता है कि हम बी को, तो बी तो इस फार्मूले का, हम इसको इजिंग नहीं कर सकते, आरिंग नहीं कर सकते, वाजिंग नहीं कर सकते, वरिंग नहीं कर सकते, बीनिंग नहीं कर सकते, तो बीइंग आई एन जी के साथ जो वर्ब था वो यहां लग चुका है, ठीक है, और पीछे आई एन जी रही है वो उसको हमने बी अपनी तरफ से लगाया, और बी का इसको बीइंग ही ले रहेगा, इसको हम और कुछ कर नहीं सकते, और इसको कर नहीं सकते पिछला बी, क्योंकि फार्मूला आपको ये कहता है कि कंडीशन वन स्टेप फॉरवर्ड होती है, तो ये फॉरवर्ड होनी है बी की, इसके ऊपर कंडीशन होनी है, इस बी की इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, इस बी की इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, हम इस बी की वजह से इस बी को चेंज नहीं कर सकते, राइट, मतलब ये बी आ रहा है तो हम इसको इज कर दें तो ताकि फार्मूला ठीक हो जाए, क्योंकि विल को बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस विल को बी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंडीशन फॉरवर्ड हो रही है, और इस बी को इससे कंडीशन प्रॉब्लम है, इसको इससे प्रॉब्लम है भी सही, अगर इसको इससे प्रॉब्लम है भी सही तो आपको पता है कि कंडीशन हम रिवर्स नहीं करते, आपको पता है इस बी को इससे प्रॉब्लम हो रही, सॉरी ये बी आपस में कठिन नहीं होनी चाहिए, इस बी के मुताबिक हम इसको तो चेंज करते हैं, इस बी के मुताबिक इसको हम चेंज नहीं करते, अब इसके बी के मुताबिक अगर हम इसे चेंज करें भी सही तो आई एन जी के साथ और कुछ लगाने के लिए मेरे पास है नहीं, तो ये बी और बी रिपीट होता है, इसलिए बाकी अगर मैं चेक कर भी लूँ आई एन जी यहाँ से कट गया, इस आई को मी कर दिया, बाकी कंडीशन सारी पूरी हो गई, फूड विल बी बीइंग ईटन बाय मी, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि ये बी जो है दो, ये दो बी आपस में रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हम इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक चीज़ का अलाउड है जो यूज़ हो सकता है, हैड और हैड का, हैड और हैड आपस में रिपीट हो सकते हैं सिर्फ इंग्लिश में, ये हैड वर्ब का होता है, टेंस का होता है, और ये हैड पोजेशन का होता है, तो ये एज ए इसका फंक्शन वर्ब का नहीं है, इसलिए ये रिपीट हम कर सकते हैं, पूरी ग्रामर में ये दो लफ्ज
ये लफ्ज आपस में रिपीट हो सकता है। पूरी ग्रामर में कहीं भी और कोई आप रेपिटेशन देखते हैं तो गलत होते थे, क्योंकि ये वर्ब जो है ये भी वर्ब का फंक्शन यहाँ कर रहा है, ये भी सेम वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो एक ही लफ्ज एक ही फंक्शन अदा करते हुए रिपीट अगर होगा तो वो ग्रामेटिकल गलत होगा। तो ये फूड विल बी बीइंग ईटन बाय मी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आपका जो है वो टेंस नहीं बनता, नहीं बना हमने दिया, यूज नहीं होता, यूज ना होने की वजह मैंने आपको बताई कि वो रिपीट हो रहा है उसमें बी, इसलिए हमने उसे यूज नहीं किया। अगले जो तीन टेंसेज हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में वो यूज़ नहीं होते। हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक फिक्रा लेते हैं और उसे हम बना के देखते हैं और फिर उसमें भी बताता हूँ कि रेपिटेशन कहाँ पर आती है और हम उसे यूज करते हैं। फूड हम पहले एक्टिवाइज करते, बल्कि सीधे सीधे इसको पैसिवाइज कर लेता हूँ। फूड विल बी बीइंग है ना, तो मैं इसको अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको डायरेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करता हूँ, ये पैसिव में है तो पैसिव से ही पैसिव हम डायरेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करते हैं। फूड विल बी, इसको मैं एज ए डमी यूज कर लेते हैं, बी बीइंग ईटन बाय मी, ये मैंने कर लिया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए। अब ये फ्यूचर तो परफेक्ट तो कंटीन्यूअस है, मैं फिलहाल ये काट रहा हूं, मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना चाह रहा हूं। तो परफेक्ट बनाने के लिए फूड बी ईटन, बीइंग ईटन बाय मी, या इसको फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ये, इसको फ्यूचर सॉरी परफेक्ट कंटीन्यूअस मैं करता हूं। तो परफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हैज हैव का इजाफा करते हुए परफेक्ट हो जाएगा। फूड हैज इज बीइंग ईटन बाय मी, अब अगर हम अग्रीमेंट करें चेक, तो फूड के बाद हैज के बाद जो वर्ब आ रहा है वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, यस तीसरी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इज जो है ये इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, बीन। फूड हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी, बाकी सब कुछ ठीक है, ये भी इसमें भी रिपीट हो रहा है बी और बी, तो बी का रेपिटेशन क्योंकि आ रहा है, इसका फंक्शन भी वर्ब का है, इसका फंक्शन भी वर्ब का है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो मैंने यूज नहीं किया। अब इसी फिक्रे को फूड, इसका अगर पास्ट कंटीन्यूअस भी बनाएं, फूड सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फूड हैड बाकी सेम है, बीन बीइंग ईटन बाय मी, बाकी इसमें और इसमें ये बी रिपीट हो रहा है, सेम वही फंक्शन है, सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ। परफेक्ट कंटीन्यूअस ये वाला और ये वाला बना नहीं है। हम इसको फ्यूचर अगर करते हैं, फूड सॉरी फूड हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी, और इसमें हम विल करते हैं ऐड, तो इस विल के बाद ये हैव हो गया। विल के बाद हमेशा फैमिलीज में से, इस विल की कंडीशन है कि अगर फैमिलीज में से कुछ आएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। विल की विल शैल, ये मडाल वर्ब आते हैं, मडाल वर्ब कौन से हैं, 10 है, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख भी दूंगा, मडाल वर्ब, मॉडल नहीं है, एम ओ डी ए एल, मडाल वर्ब्स, मडाल वर्ब्स कौन से, मे और माइट, मे की मे पहली फॉर्म और माइट उसकी दूसरी फॉर्म, मस्ट आर्ट, मस्ट की पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म, चार हो गए, और कैन कुड शैल शुड विल वुड, तो 6 ये हो गए, मे और मस्ट 2 हो गए, कैन शैल और विल ये 5 हो गए। अब इनकी दूसरी फॉर्म मे और माइट, मस्ट और आर्ट, शैल और शुड, विल और वुड, कैन और कुड, 10 बनते हैं, 10 मोडल वर्ब बनते हैं। 10 मोडल वर्ब की कंडीशन ये है कि उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो फैमिलीज में से अगर हो तो उसके मेंबर्स नहीं लगाएंगे, उनके बाद हमने उसके रिप्रेजेंटेटिव लगाने हैं, और अगर इनके अलावा कोई है तो वे हम फिर हम देखेंगे, फिर ये डिपेंड करेगा कि क्या करेंगे, कुछ चीज़ों पर मुख्तलिफ होता है। तो अब क्योंकि विल आ रहा है, विल के बाद हैव जो है इसलिए लगाया कि ये विल मोडल वर्ब है और मोडल वर्ब में मेंबर्स नहीं लगते, रिप्रेजेंटेटिव लगते, ये तो हो गया। इसमें हमारा मकसद इसको डिस्कस करना नहीं था, डिस्कस इसमें ये करना था कि इसमें और इसमें ये बी रिपीट हो रहा है, बी बी ये रिपीट हो रहा है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में, बी और बी रिपीट हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास में, बी और बी रिपीट हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर में. तो बी और बी रिपीट हो रहा है और प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये बी और बी रिपीट होता है. तो ये चार टेंसेज ऐसे हैं जिनमें बी रिपीट होता है, उसमें बी बीइंग में, इसमें बीन बीइंग में, इन तीनों में. तो ये बी रिपीट होता है इसमें, तो इसलिए हम और सेम मकसद के लिए, यानी कि वर्ब के मकसद के लिए, टेंस के मकसद के लिए रिपीट होता था, इसे हम इस्तेमाल नहीं करते. टोटल 12 टेंसेज थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. 12 टेंस होते हैं, 12 में से बाकी सारे हमने बनाए. सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाया इसमें, ये वाला, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों नहीं बने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में. तो चार टेंसेज में नहीं बने, 12 में से चार टेंसेज हमने बनाए हैं, बनाए हमने, लेकिन रिपीट हो रहा है. तो रिपीट क्योंकि हम इसको राइटिंग में लेके चलेंगे या स्पीकिंग में करेंगे, तो ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है कि एक ही मकसद के लिए, यानी कि वर्ब के मकसद के लिए वर्ब रिपीट हो, तो ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, इसे हम गलत कहते हैं. तो ये चार टेंसेज इस्तेमाल होंगे, पीछे 12 टेंसेज हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस इसमें इस्तेमाल नहीं होता. सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीन टेंसेज बने. उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पाँच हो गए, पर फ्यूचर पर कंटिन्यूस नहीं बनता, छठा ये कट गया. पहले 5 टेंस होते हैं, छठा इस्तेमाल नहीं होता. और उसके बाद परफेक्ट के सारे इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, 5 पिछले और 3 ये, 8 हो गए. तो आखिरी 3 ये कट गए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कटे और फ्यूचर कंटिन्यूस कटा. 4 टेंस कटे, पीछे 8 टेंस रह गए, 8 के 8 आप बना सकते हैं. आप एक्सरसाइज कीजिएगा, हम कोशिश करते हैं आपको नोट्स भी साथ इसके प्रोवाइड करें. नोट्स हम बन रहे हैं, नोट्स आपको सेपरेट मिलते होते हैं, साथ साथ बन रहे हैं और नोट्स आपको हेल्प करेंगे. आप नोट्स ना भी हो आपके साथ, अगर आप ना भी लियो, तो ये जो चीज़ें मैंने गाइड की है इनकी बुनियाद पर आप खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं. एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, गलतियों से बचते रहिए, क्योंकि गलतियों से जब आप डरते हैं तो आप अपने ब्रेन की क्रिएटिव पावर को मार देते हैं. गलतियों से मत दीजिए, डरिए, कोशिश कीजिए कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिए. मैं अगली वीडियोज़ में एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव और यूनिवर्सल सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव, इनके ऊपर आके चल के हम बात करते रहेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे उम्मीद है कि अभी आप समझोगे. अगली वीडियो के साथ मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच.